हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इकोजेड। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम आपके लिए लाए हैं बीएड की प्रिपरेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस और उनके आंसर, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कालीबंगा में उत्खनन का प्रथम चरण का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? आंसर है, कालीबंगा में उत्खनन का प्रथम चरण का कार्य 1961 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? आंसर है, कालीबंगा सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? आंसर, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? आंसर है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कालीबंगा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? आंसर है, राजस्थान सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, इसी के साथ पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? उसका आंसर भी हनुमानगढ़ ही है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा उसकी जानकारी किस वर्ष हुई? 1920 और 21 में। अगला है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की? आंसर है, सर आरएल स्टाइल ने राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की खोज करी। अगला क्वेश्चन है, लगभग 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? आंसर है, 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता जो ताम्रयुगीन सभ्यता है वह है गणेश्वर सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन किस विद्वान ने करवाकर श्रेय प्राप्त किया था? तो आंसर है, कालीबंगा के उत्खनन का कार्य बिबीलाल द्वारा किया गया था। राज्य में आदि सभ्यता के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर है, राज्य में आदि सभ्यता के प्रमाण अनूपगढ़ तथा नवलखा डेरा से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? आंसर है, रेड टॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहां से प्राप्त हुई? आंसर है, नगर नेनवा टोंक से। नेक्स्ट है, सैंदव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती है? आंसर है, सैंदव लिपि दाहिने से बाई ओर काम में ली जाती है। नेक्स्ट है, आहार सभ्यता के स्थल की खोज सबसे पहले किसने करी और कब करी? आंसर है, आहार सभ्यता के स्थल की खोज सबसे पहले रतन चंद्र अग्रवाल ने करी और 1954 में करी और उसकी खुदाई 1956 में हुई। आहार सभ्यता की खोज 1961-62 में किसके नेतृत्व में की गई? आंसर है, आहार सभ्यता की खोज 1961-62 में हसमुख धीरजलाल सांकलिया के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, आहार में खुदाई के दौरान काले व लाल रंग के मृद मांड प्राप्त हुए हैं, उन्हें कौन सी शैली कहा जाता है? तो आहार की खुदाई में जो काले व लाल रंग के मृद मांड जो प्राप्त हुए हैं उन्हें उल्टी तपाई शैली कहा जाता है। नेक्स्ट है, आहार सभ्यता का पुराना नाम क्या था? आंसर है, आहार सभ्यता का पुराना नाम ताम्रवती नगरी या दुक्कलकोट नगरी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, आहार सभ्यता में लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? आंसर है, पशुपालन। नेक्स्ट है, कालीबंगा में लोग किन किन पालतू जानवरों से परिचित थे? आंसर है, कुत्ते से, भेड़, बकरी, गाय, भैंस और ऊंट से भी परिचित थे।
अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा में समाधि कितने प्रकार की होती थी? आंसर है, कालीबंगा में मृतक समाधि जो होती थी वो तीन प्रकार की होती थी। पहले प्रकार की समाधि में अंडाकार गड्ढा खोद दिया जाता था और उसमें व्यक्ति को दफना दिया जाता था, जिसमें व्यक्ति का मुंह ऊपर की ओर रहता था, सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर रहते थे। सेकंड प्रकार की समाधि में गड्ढा खोदकर व्यक्ति को फोल्ड करके समेट कर उसके अंदर दफना दिया जाता था। और तीसरे प्रकार की समाधि स्थल में गड्ढा खोदकर व्यक्ति को गहनों, आभूषणों व कुछ खाद्य सामग्री के साथ उसमें दफना दिया जाता था। और इसी का एक अन्य प्रकार का अवशेष भी प्राप्त हुआ है, जो कुत्ते के साथ प्राप्त हुआ है, जिसमें समाधि स्थल में व्यक्ति के साथ आभूषण, खाद्य सामग्री एवं कुत्ते के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा में सड़कें कैसी थी? आंसर है, कालीबंगा में सड़कें समकोणीय विस्तार वाली थी। अगला, कालीबंगा में जो मकान बने होते थे वो कौन सी ईंटों के बने होते थे? आंसर है, कालीबंगा सभ्यता में जो मकान बने होते थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट है, कालीबंगा में नालियां किस प्रकार की बनी होती थी और किसकी बनी होती थी? आंसर है, कालीबंगा सभ्यता में नालियां कच्ची ईंटों या काष्ठ से बनी हुई होती थी। नेक्स्ट है, कालीबंगा में यह किससे पता चलता है कि वहां भूकंप भी आते थे? आंसर है, कालीबंगा में मकानों के बीच में दरारों से यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि वहां पर भूकंप भी आते थे। अगला है, कालीबंगा का पालतू जानवर कौन सा था? तो कालीबंगा सभ्यता में लोगों का पालतू जानवर कुत्ता था। इसके अलावा ऊंट का भी ज्ञान था उन्हें, इसके अलावा भेड़, बकरी और गाय और भैंस का भी उन्हें पूरा ज्ञान था। अगला, कालीबंगा के उत्खनन में यज्ञ वेदियां मिली है क्या? आंसर, जी हाँ, कालीबंगा के उत्खनन में यज्ञ वेदियां भी मिली है, जिससे ये पता चलता है कि वहां पर बलि प्रथा भी थी। अगला है, खुदाई के समय एक गोल बुद्ध मूर्ति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर है, बेराट से। अगला है, आहार सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या था? आंसर है, आहार सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्य पदार्थ चावल था। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आंसर है, कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष के रूप में जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें दो फसलों को एक साथ बोया जाता था? वह सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है, जिसमें जौ के साथ गेहूं बोया जाता था। नेक्स्ट है, महाभारत काल के अवशेष कहां प्राप्त हुए हैं? आंसर है, महाभारत काल के अवशेष अलवर के निकट बेराट में तथा भरतपुर के नहों में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, आर्य सभ्यता के काल में किस धातु का पता चला था? आंसर, आर्य सभ्यता के काल में लोहे की धातु का पता चला था। नेक्स्ट, हार्फून क्या है? हार्फून वेल मछली या गेंडे या बड़े जानवरों का शिकार करने का एक आयुध या हथियार या औजार है। नेक्स्ट है, मौर्य काल से राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र किसे कहा जाता था? आंसर है, मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र विराटनगर जयपुर को कहा जाता था। नेक्स्ट है, मछली पकड़ने के कांटे का सर्वप्रथम प्रयोग किस सभ्यता में हुआ? आंसर है, गणेश्वर सभ्यता में। नेक्स्ट है, बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? आंसर है, उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? आंसर है, 1950 में। नेक्स्ट है,
कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गग्गर नदी के किनारे, जिसे सरस्वती नदी भी कहा जाता था, लुप्त नदी के नाम से भी जाना जाता था, द्वेषदती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समकालीन राजस्थान की प्राचीन सभ्यता कौन सी है? आंसर है आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट है, शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जो जाखा बाबा के रूप में पूजी जाती है, यह किस खुदाई से प्राप्त हुई? आंसर है भरतपुर नहों से प्राप्त हुई थी। ये थे हमारे आज के कुछ और क्वेश्चन आंसर के साथ। हम कल फिर आपके साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनके आंसर देंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। गुड बाय।